सर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे इतना ही कहा कि आपने अपनी गाड़ी गलत जगह खड़ी की, ये पार्किंग हमारे मैनेजर साहब की। बाहर मैनेजर का नाम लिखा है, जब कहीं और पार्किंग की जगह नहीं है तो गाड़ी कहाँ खड़ी करो? आप बाहर गाड़ी खड़ी कर दीजिए। गाड़ी क्या फुटपाथ पर खड़ी कर दो? इतना बड़ा होटल खोल के रखा है तो पार्किंग की जगह भी रखनी चाहिए। मैनेजर की गाड़ी जब वहाँ नहीं है और मैंने गाड़ी पार्क कर दी तो क्या हुआ? अरे वो जब आएगा तो गाड़ी हटा लूंगा। नहीं सर, वहाँ से आपको गाड़ी हटानी पड़ेगी। मैं यहाँ कस्टमर हूँ और जब यहाँ आया हूँ तो गाड़ी यहीं खड़ी होगी, नहीं हटेगी गाड़ी। आपको अभी वहाँ से गाड़ी हटानी पड़ेगी। नहीं हटाऊंगा गाड़ी। क्या करोगे तुम? देखने में तो आप अच्छे खानदान के लगते हैं। मेरा और वेटर का आपसी मामला है, बीच में मत बोलिए। वेटर गलत थोड़ी क्या है, आप गाड़ी वहाँ से हटा लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। यू शट अप भाई साहब, जाने भी दीजिए। अरे आप फिर बीच में बोले, माइंड योर ओन बिजनेस। भैया तुम आप गाड़ी हटा लीजिए ना वहाँ से। गाड़ी हटा लो, तुम भी इनका साथ दे रहे हो। देखिए बात गलत है, वो मैनेजर की जगह है, तो आप गाड़ी दूसरी जगह लगा लीजिए। ये तुम कह रहे हो, मेरे भाई होते हुए तुम इन लोगों का साथ दे रहे हो? नहीं नहीं, साथ नहीं दे रहा हूँ भैया, जो कायदे की बात है वही कह रहा हूँ। यू शट अप, तुम्हारी जबान इतनी लंबी हो गई कि इन लोगों के सामने तुम मुझसे उल्टी सीधी बात कर रहे हो। ये तुम्हारा भाई है जी? तुम जो बिजनेस करने जा रहे हो उसमें ये भी शामिल है? दिमाग से तो एक हफ्ते लगता है, बदतमीज भी है। ए मिस्टर, जबान संभाल के बात करिए, ये मेरे बड़े भाई हैं। गलत थोड़ी कह रहा हूँ, ठीक ही तो कह रहा हूँ। कार पार्किंग के लिए एक वेटर के मुंह लगे, सोचने की बात है कितना घटिया तुम्हारा भाई। भाड़ में गया तुम्हारा फाइनेंस, और तुम खबरदार अगर मेरे भाई के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला, समझे? भीख मांगते फिर रहे और घमंड रही सो जैसे।